गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरा थर्ड डे है यहाँ पे हिकाडुआ में, और मैंने आज का दिन भी यहाँ पे स्टे करने के लिए डिसाइड कर लिया है। और क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, और बीच भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, और साथ में मछलियाँ भी बहुत सारे हैं। तो आज मैं, जैन और एमा, हम तीन लोग जा रहे हैं यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो ये मेरे पीछे हैं दोनों। तो ठीक है, अभी टाइम हो रहा है कुछ 8:30, और मॉर्निंग में आने का फ़ायदा ये है कि आपको जो है ना क्राउड कम मिलता है, तो इसलिए हम मॉर्निंग में सारे आए हुए हैं अभी स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं। और स्नॉर्कलिंग गियर जैसे मैंने बताया था सस्ता मिल जाता है यहाँ पे, कुछ 400। तो ठीक है, अभी फटाफट जाके स्नॉर्कलिंग मास्क उठाते हैं और मिलते हैं पानी में। Okay, so Jan, how many fishes you saw today? Depends how many you're talking about. Man, if you're talking about breeds, probably about 50 different breeds of fish. Oh, really? But about 1,000,000 fish! So you liked it? Yeah, it was great, man. Yeah.
Yeah. Nice experience for... No, thank you so much, gentlemen. And I got to eat bread. Yeah. We all get to eat the bread. Yeah, bread. Now we're heading to... See the turtle. Yay, turtle man. Okay, see you at Turtle Point. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Hello, Toto Man. Hey, Steve. Is it a bit clear? Turtle man. He's lost. He's a bit lost, yeah. Maybe it's because he's old. Come on, turtle man, this way. This way, turtle man. What did I say? Okay. So guys, we just finished snorkeling today. और अभी हम वापस जा रहे हैं ये गियर सारा कुछ वापस करने के लिए तो हाउ मेनी टर्टल यू शॉट टुडे टू टर्टल्स टू थ्री वी शॉट थ्री टर्टल्स यस राम टर्टल ओह फोर टर्टल्स वी शॉट फोर टर्टल्स एंड हाउ मेनी फिशेस अ बिलियन मिलियन वेरी स्मॉल फिश या एंड वन बाइटिंग फिश Yeah, one biting fish, you know, that black color with orange layers on it. And electrocuting coral. Coral, yeah. Electrocuting coral. Yes. Actually, that black fish bite all three of us. Yeah. You know? Started with me, then Jane, then Emma. Hopefully you can show them on your video. Yes. Yeah. It is recorded. Yeah. We have proof of it. Yes. Recorded. One tried to tag me, like. Even to camera and so. Yeah, even the camera. Even the camera. She tried so many times to hit the camera. Good morning, guys. So I am backpacker guide, and I am this time Hikkaduwa. And today is my third day. Third day, I can't say fourth day. I mean. And so today, like 10, no, today 11 January has happened. And I am going back tomorrow from India here. And मेरी जो फ्लाइट है वो निकम्बो से है तो आज मैं हॉस्टल से चेकआउट करूंगा कुछ 12 बजे यहां से और फिर यहां से बस पकड़ूंगा और बस पकड़ के जाएंगे कोलंबो फिर कोलंबो से फिर से आगे जाऊंगा ट्रेन या बस कोई भी पकड़ के निकम्बो के लिए क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो कोलंबो में नहीं है निकम्बो में है जो कि कोलंबो से कुछ 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस से आगे तो वहाँ जाना है फिर मैंने वहाँ पर हॉस्टल भी बुक कर रखा है तो अभी मॉर्निंग में क्या है अभी जैन जो है जो मेरा फ्रेंड है यहाँ पे न्यूजीलैंड का है वो तो वो क्या है उनावतूना जहाँ पे वो पहले रुका था तो उसने अपने मोबाइल का जो चार्जर है वो वहाँ पे गलती से छोड़ के आ गया था तो वो फिर से गया है उसको लेने के लिए तो उसने भी जाना है मुझे मतलब कि वो भी 12 तारीख को ही जा रहा है इंडिया बट वो जाएगा दूसरे फ्लाइट में क्योंकि वो त्रिवेंद्रम जाएगा और मैं जाऊँगा मदुरई तो हमने बात करी तो हमने कहा अच्छा ठीक है फिर यहाँ से एक साथ निकलेंगे तो अभी जैसे वो आएगा कुछ 12 बजे के आसपास वो आएगा तो हम मिलके चलेंगे कोलंबो अभी टाइम हो रहा है 11:45 और मैं हॉस्टल से चेकआउट कर चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ और फिर वहाँ से बस पकड़ूँगा कोलंबो के लिए तो वैसे कोलंबो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं कुछ 100 किलोमीटर के आसपास है तो होपफुली 2.5 घंटे या 3 घंटे लगेंगे तो अगर 3 बजे तक पहुँच जाता हूँ कोलंबो तो फिर वहाँ से लोकल ट्रेन हो गया फिर लोकल बस पकड़ के मुझे जाना है निगम्बो के लिए और फिर वहाँ पे स्टे करूँगा आज रात को और फिर कल मॉर्निंग में इंडिया पहुँच चुका हूँ इस टाइम तो क्या मैं वैसे 9:30 बजे ही पहुँच जाऊँगा इंडिया
ओके तो गाइस मैं कोलंबो भी पहुंच चुका हूं और टाइम अभी हो रहा है 3 बज रहे हैं। और वैसे मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको किसी मेरे ब्लॉग में कि जो सिम कार्ड है यहाँ पे श्रीलंका में आपको अगर लेना है तो आपको ये बहुत सस्ता मिलता है, मतलब सिम कार्ड तो फ्री मिल जाता है आपको और बस डेटा का जो है उसके लिए आपको रिचार्ज करना पड़ता है। कि सिम कार्ड जो है वो फ्री है लेकिन आपको 200 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा जिससे आपको 2GB का डेटा मिलेगा। तो ये आपको हच पे भी ऑफर है और एक मोबीटेल है ऐसा कुछ है, तो दो दो तीन कंपनियां हैं ऐसे और सबके लगभग जो ऑफ़र हैं सबके सेम ही हैं। तो वही है यहाँ पे अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो आप एयरपोर्ट पे ना लेके अगर ऐसे कोलंबो फोर्ट या फिर कहीं पे भी आपको कोलंबो में कोई भी स्ट्रीट पे आपको वैसे दिख जाएंगे बहुत सारी जगह पे, क्योंकि मुझे तो कैंडी में भी दिखा था, यहाँ पे कोलंबो भी अभी दिख गया है। तो 200 रुपये में 2GB डेटा और 200 रुपये मतलब कि इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 90 रुपये पड़ता है। तो ठीक है, 90 रुपये में आपको सिम कार्ड मिल जाएगा और आपका जो पासपोर्ट होगा उससे ये लोग इसको लिंक कर देंगे। तो ठीक है, ईजी है, सस्ता है। और वैसे मैंने तो अभी तक यहाँ पे 18 डेज जो है मतलब कि स्पेंड कर लिया है और मैंने सिम कार्ड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे डेटा मतलब कि वैसे तो चीप था ही लेकिन वाईफाई जो है हर जगह स्ट्रॉन्ग था, बस कुछ लोकेशन को छोड़ के बाकी जगह पर वाईफाई जो है स्ट्रॉन्ग था, ठीक ठाक था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बस 200 श्रीलंकन रुपीज़ में आपको सिम कार्ड और साथ में 2GB डेटा मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी चीप है क्योंकि मालदीव्स में आपको 2500 खर्च करने पड़ते थे लेकिन यहाँ पर बस 100 श्रीलंकन में हो जाएगा आपका काम। 100 श्रीलंकन नहीं, 100 इंडियन, मतलब कि कुछ 90 रुपये लगेंगे इंडियन के हिसाब से और श्रीलंकन के 200 लगेंगे। तो ठीक है, काफ़ी सस्ता है। तो ठीक है, अभी मैं जैसे कोलंबो फोर्ट यहाँ पे स्टेशन में हूँ और मुझे यहाँ से जाना है निगम्बो। तो अगर मैं बस यहाँ से पकड़ता तो बस में जो है किराया थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि AC वाला जो बस चलता है 187, मैंने जब लास्ट टाइम आया था यहाँ पे तो मैंने दिए थे उसको 300 दिया था मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं स्टेशन के पास हूँ और मेरा जो हॉस्टल है वो भी वहाँ पे कुछ कातू नायक के करके एक जगह है, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे और उसके बिल्कुल साथ ही है, तो मैं यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ूंगा और फिर यहाँ से चलूँगा डायरेक्ट निगम्बो। तो अभी जाके देखते हैं, टिकट लेते हैं और पता करते हैं कितने का टिकट है, क्योंकि बस में अगर मैं जाऊँगा तो कम से कम 200-300 तो लगेंगे ही। और अगर मैं देखता हूँ कि अभी मुझे यहाँ पे ट्रेन में जाऊँगा तो कितना लगता है और जो भी कुछ होगा मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी आगे ये है जो कोलंबो फोर्ट का रेलवे स्टेशन, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी तो गाइस मैं अभी स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और जो ट्रेन है मेरा वो 4:30 का है और टिकट मैंने ले लिया है, ये वाला कुछ 50 श्रीलंकन का है और तो सस्ता है। वैसे मेरे को देने पड़ जाते 200-300, तो अभी 50 में हो रहा है काम। तो ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आधा घंटा तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है और वेट कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका में रेलवे ऐसे होते हैं ट्रेन, तो सब पुराने हैं, कुछ जो ब्लू कलर के होते हैं वो थोड़े से नए वाले हैं लेकिन बाकी सारे आपको मोस्टली ऐसे वाले देखेंगे, रेड वाला, और उसमें छोटे छोटे से मतलब कि कोच होते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती इनकी। तो ये है, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ मैं और ऐसा है कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन। ये है कोलंबो का जो लोकल ट्रेन होता है, कोलंबो का मतलब कि श्रीलंका का ही मतलब लोकल ट्रेन रहता है ये। और तो अभी ट्रेन तो आ चुकी है लेकिन अभी क्या है कि अनाउंसमेंट करना बाकी है, तो एक बार ही अनाउंस कर दें कि यही वाली ट्रेन जाएगी तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। पूरी ट्रेन खाली है और अभी जाके देखते हैं। और फिर अभी अगर 3:30 हो रहा है तो 4 बजे तक अगर यहाँ से निकलेंगे तो आधे घंटे पहुँच जाएंगे। और वैसे ये ट्रेन पूरी खाली है अभी, लेकिन जैसे ही इवनिंग के 6 बज जाएंगे ये सारा कुछ फुल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस होता है वो सारा कुछ 6 बजे के बाद मतलब कि छुट्टी होता है सबका, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, मतलब कि आप इसमें क्या है कि चढ़ नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा रश होता है। जैसे मुंबई में होता है अपना, वैसे ही हाल है, लेकिन अभी तो पूरा खाली है क्योंकि अभी मंडे भी है और अभी 4 बज रहे, 3:30 बज रहे हैं, तो बेटर है। तो ठीक है, टाइमिंग भी सही है और ट्रेन भी आ चुकी है, सब कुछ बढ़िया है, रेट भी सस्ता है, तो बढ़िया है। अगर आपको जाना है तो आप लोकल ट्रेन यूज़ कीजिए कोलंबो के अंदर, काफ़ी बेटर है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि 6 बजे के अंदर अंदर तक आपको करना है, अगर 6 बजे के बाद आप करते हैं तो देन बहुत ज़्यादा रश होगा।